अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर के बाद कार्तिक आर्यन के साथ जुड़ेंगे ये निर्देशक 3D एक्शन फिल्म फाइनल। बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद अभिनेता कार्तिक आर्यन फिल्म निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके हैं। खबरों की माने तो अजय देवगन के साथ फिल्म तानहाजी के बाद अब निर्देशक उमर राउत अपनी अगली फिल्म में कार्तिक आर्यन को फाइनल कर चुके हैं। यह एक बिग बजट 3D एक्शन फिल्म होगी। फिल्म को भूषण कुमार प्रोड्यूस करने वाले हैं। खास बात है कि यह कार्तिक की पहली एक्शन फिल्म होगी। ओम राउत ने तानहाजी के साथ निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा है, जिसने अब तक 250 करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर ली है। इस ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद ओम राउत अब अपनी अगली फिल्म की ओर बढ़ चुके हैं, जिसके लिए कार्तिक का नाम सामने आया है। पहली बार रोमांटिक कॉमेडी जॉन से हटकर कार्तिक एक्शन करते देखेंगे। कोई शक नहीं कि इस फिल्म को लेकर कार्तिक फैंस काफी उत्साहित होंगे। ओम राउत के साथ फिल्म तानहाजी के बाद ओम राउत अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू कर चुके हैं। फिल्म में कार्तिक आर्यन फाइनल हैं। यह धमाकेदार 3D एक्शन फिल्म होगी। लव आजकल इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी यह फिल्म 14 फरवरी को रिलीज होने वाली है। फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ सारा अली खान की जोड़ी देखेगी। भूल भुलैया 2 अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 31 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली है। फिल्म में कार्तिक और कियारा आडवाणी मुख्य किरदारों में देखेंगे। दोस्ताना दो जाह्नवी कपूर, लक्ष्य और कार्तिक आर्यन दोस्ताना दो की तैयारी शुरू कर चुके हैं। फिल्म 4 दिसंबर 2020 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कॉलिन डी कन्हा। बैक टू बैक फिल्में सोनू के टीटू की स्वीटी, लुका छुपी और पति पत्नी और वो के साथ कार्तिक ने हिट फिल्मों की हैट्रिक दी है। 2 सालों में कार्तिक की 2 फिल्मों ने 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया है। दीपिका पादुकोण के साथ वहीं अफवाह है कि इम्तियाज अली की अगली फिल्म में दीपिका पादुकोण और कार्तिक आर्यन की जोड़ी साथ दिख सकती है। हालांकि फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।